नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कमांडो बनोगे? यस सर। देखिए, आज के वीडियो के अंदर वही पुरानी स्किल, टेक्निकल चीजें। अगर आप भी अपनी रनिंग को बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। क्यों है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपको लेके डायनेमिक वेरिएशन बताने वाले, डायनेमिक वर्कआउट बताने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, इंडियन आर्मी के अंदर आप जाना चाहते हैं तो ये वर्कआउट आपने करे तो डेफिनेटली आपके लेग के अंदर बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ आने वाली है। इतनी पावर बढ़ जाएगी कि आप खुद यकीन नहीं मानेंगे। एक बार आप ये वर्कआउट करके देखें। सभी लोगों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए चैलेंजिंग वर्कआउट है, कॉम्पिटिशन वाला वर्कआउट है। चैलेंज आप सभी को, आप अगर करेंगे इस वर्कआउट को, पहले तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो था इन दोनों का अंडे खाने वाला, याद था? अंडे खाने वाला कंपटीशन था। आज इनके लेग वर्कआउट का कंपटीशन है। तो आप लोगों को भी ओपन चैलेंज है, आप सभी लोगों को, कि ये जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, लेग वाली एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। और आप करके अपना वीडियो बना सकते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। चलो तैयार हो, तालियां दोड़ने के लिए। ये आपको हाइनी बाउंस लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हाइनी बाउंस से थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर हीट आ जाएगा, थोड़ा सा वार्म हो जाएगी बॉडी। जब आपकी बॉडी हीट हो जाती है तो उसके बाद आप अपने दोस्त से बोलिए कि स्टॉप वॉच चालू कर ले भाई, क्योंकि अब इसमें स्टॉप वॉच का ही काम करने वाला है। चलो चेयर होल्ड, ऐसे आपको 30 सेकंड चेयर होल्ड रहना है। हमारे दोनों शेयर काफी स्ट्रांग है और इन दोनों को कोई हरा नहीं सकता इंदौर के अंदर। हरा सकता है क्या? तालियां इन दोनों के लिए। 30 सेकंड आपको चेयर होल्ड रहना है, इसके बाद आपका आएगा स्क्वेट। ठीक है, कैसे स्क्वेट रहेंगे मैं बताऊंगा आपको। देखना इन दोनों का जोश, देखना दोनों गिव अप करने वाले नहीं है। दोनों बहुत बड़े टाइगर है हमारे यहाँ के, और एक उमेश कोरी एक यादव, देखते हैं कौन गिव अप करता है। वैसे तो करने नहीं देंगे हम। 30 सेकंड कंप्लीट। ओके, स्क्वेट स्टार्ट। एक, दो, तीन, साथ में चार, पांच, छह, सात, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। ऐसे आपको 15 स्क्वेट लगाना है। अब इसके बाद आपको लगाना है, खड़ा हो जा, ऐसे पकड़ ले इसको, जंप विद स्क्वेट, कंप्लीट। चलो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, होल्ड होल्ड, शेयर होल्ड, छोड़ दें। आपको अगेन 30 सेकंड होल्ड करना है। तो सारे वर्कआउट आपने कंप्लीट करेंगे, ब्रेक बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप ये वर्कआउट करेंगे ना, तो आप पहले दिन तो दो दिन तक तो उठ नहीं पाएंगे, ये गारंटी मेरी। दो दिन उठने के बाद आप जो लेग के अंदर पावर महसूस करेंगे, इतनी पावर रहेगी कि अगर जमीन में पैर मार दोगे तो पानी निकालना। ठीक है, 30 सेकंड होल्ड करके रखना है। ओके, ऐसे कैसे आपको नीचे बैठ जाना है, ऐसे आपको शोल्डर्स पे हाथ लगवाना है और पीछे की तरफ आपको जंप, देख ये वाला स्क्वेट लगाना है बैठ कर। चलो स्टार्ट। नहीं नहीं, जंप नहीं, नॉर्मल स्क्वेट। चलो स्टार्ट। इसमें आपके एडी नहीं उठना चाहिए, नीचे दबाओ इसको, पुश कर, उठा थोड़ा पैर, उठा घंटा जुड़ना चाहिए, एडी थोड़ा कभी हाथ थोड़ा पास। कौन हारेगा देखते हैं, कौन हारेगा। ओके, चेयर होल्ड। देखो, इससे आपका एक और चीज मजबूत होने वाला है, आपके बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, जो कपती है ना बॉडी, वो कपना बंद हो जाएगी। और आपको मेडिकल के अंदर, जब मेडिकल में आप मेडिकल चेकअप करवाएंगे, हैंड चेकअप करवाएंगे, तो उसमें ऐसे कपती है बॉडी, तो आपका ये कपना भी बंद हो जाएगा। जैसे यादव कांप रहा है अभी, उमेश भी कांप रहा है थोड़ा। ठीक है, चलो हैंड पकड़ ले फिर से, लंजेस पोस्चर। चल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, होल्ड। ग्यारह के बाद छोड़ दे, हैंड लेग टच नहीं होना। देखिए इन दोनों का लेग, देखिए कितना कपर है, पर हार नहीं मानेंगे दोनों। ये
3 मिनट 23 सेकंड टोटल वर्कआउट हुआ अभी। नेक्स्ट लेग आधा साइड लंजेस, स्टैंडिंग लंजेस बोलते हैं इसे। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होल्ड। इतनी मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब को अगर पूरी तरीके से खंगाल भी मारोगे आप तो ये वर्कआउट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये डायनामिक वर्कआउट है जो कि फोर डिफेंस एकेडमी के अंदर ही करने को मिलते हैं। देखिए दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसके बाद आपका नंबर आता है स्ट्रेट लंजेस का। नाउ स्टार्ट, फिर से पैर उधर रख, जो लेग से स्टार्ट किया था किससे स्टार्ट किया था, राइट से स्टार्ट किया था। कंप्लीट सर, चले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होल्ड। आपको हर एक्सरसाइज के बाद होल्ड रखना है 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक होल्ड रखें। जितनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाए उसके अकॉर्डिंग आपको होल्ड रखना स्टार्ट करना है। ओके कूल, चलो एक लेग उठाएगा, इसको टच करेगा दोनों पैर यहीं पे, 1 2 फ्रंट रहेगा अभी, 3 4 5 6 7 8 9 10 अदर लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाइड स्क्वेट, सोम्बर स्क्वेट, पहुंच जाओ जल्दी। अगेन चलो डाउन डाउन रख डाउन, 1 2 3 4 5 स्लो, 6 7 रहे 7 अब आप 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होल्ड रख होल्ड रख, स्ट्रेट रखना। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसका पेट चिपका लेते हैं, इसे डाउन चले जाते हैं, ये गलत तरीका होता है। ये आपका पेट को ऐसे रखना है, आपका जो एंगल रहेगा ये आपके सूट से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका ऐसा होता है तो आप गलत जगह करते हैं और आपके घुटने के अंदर तकलीफ आ सकती है, इसलिए आपको ये तरीका नहीं अपनाना। इसके बाद तुरंत आपको पेट जाना पूरा नीचे जमीन पर, स्क्वेट पोजीशन में ही। हाँ चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चल बॉक्स जंप, एक उधर चला जाओ, चलो 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 चलो, कमान 30 बॉक्स जंप, कमान 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 कमान। अभी 7 मिनट 25 सेकंड का वर्कआउट हुआ है, अभी और वर्कआउट बचा है, 10 मिनट का चैलेंज है इन दोनों के लिए लेग का। ओके सामने जाओ दोनों, चलो एक लेग इस पे रख लो, यहाँ वाइट स्टैंडिंग, हाँ थोड़ा आगे आओ दोनों, आगे आओ, सिर के हाथ रख लो, थोड़ा पीछे रहे, चल नीचे तक जाना चाहिए लेग, 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कमांडो बनोगे? यस सर। इसी वर्कआउट से बनोगे, चल 1 7 में 7 में 2 3 4
पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। चलो ये टायर इसके ऊपर रख, जल्दी कर ये वाला। चलो एक इधर सपोर्ट के साथ चेयर होल्ड, नीचे जा नीचे जा नीचे जा नीचे जा। चल टायर रख दे, चलो तालियां दो रख लिए, नीचे रख पैर पे, रख पैर पे, गुड।